मेरे परिवारजनों मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं उसके बारे में सुनता लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है यहाँ बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जम्बारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है इसलिए ही आज राजस्थान की माताएं बहने बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है उनको भरोसा है भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी मेरे परिवारजनों मेरी माताएं बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है बीते नौ वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के सेना के अग्रिम मोर्चे में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जा चुकी है देश भर में पुलिस सिस्टम में 33 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33 प्रतिशत सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं कांग्रेस के गमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं ये आए दिन हम देख रहे हैं ये इस कानून से बहुत नाराज है ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले इसलिए बहाने बना रहे हैं जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं मेवाड़ की राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस की साजिश के बारे में बताना है